नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना खबर। खबर है रोहतास जिले में स्थित भवनी धाम के अस्थाई पौधशाला की, जहां सरकार के निर्देश पर जल जीवन हरियाली के माध्यम से पौधशाला से प्रखंड के सभी पंचायतों में वृक्ष लगाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि यहां पे कौन कौन सा वृक्ष उपलब्ध है और कैसे उसको लगाया जाएगा, कैसे उपजाया जाएगा। आइए इन्हीं से। बिहार सरकार के द्वारा 5.0 के अंतर्गत जीविका को पौधा वितरण किया जा रहा है, उसके बाद मनरेगा को भी दिया जा रहा है। अस्थाई पौधशाला भवनी धाम के इंचार्ज हैं आशीष मारकंड, और जगह जगह पे पौधा रोपण भी हो रहा है, जैसे कि जीविका में हो रहा है, मनरेगा में हो रहा है, उसके बाद आपको कृषि वानिकी के तहत हो रहा है। तो यही मिशन है जो 5 करोड़ जो है 5.0, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लग सके हम लोग का यही अपेक्षा है। और अभी भी देख सकते हैं आप पौधशाला पौधा उठ रहा है, और यहाँ पे आपको फलदार पौधा भी है। और ज़्यादातर हम लोग का यही है जो हम लोग टिमर लगाएँ, लकड़ी वाला पौधा लगाएँ, ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले।